स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले उज्जैन से बड़ी खबर की करेंगे बात, जहां पर अचानक से आज मौसम बदल गया और मौसम बदलने की वजह से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और आंधी तूफान की वजह से महाकाल लोक, जिसकी भव्यता दिव्यता की चर्चा चहुं ओर होती है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगाई गई थी वो कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पर गिर गईं और टूट भी गईं। महाकाल लोक की कई मूर्तियाँ नीचे जा गिरी, बाल बाल श्रद्धालु बचे हैं, कई सारे श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ अचानक से आंधी तूफान इतना तेज आया कि मूर्तियाँ नीचे जा गिरी और वहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो भी बाल बाल बचे हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें और ये खबर आपको दिखा। तो ये दो तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, टूटी हुई मूर्ति भी आप देख पा रहे हैं कि मूर्ति टूट गई, पहले गिर गई और उसके बाद टूट भी गई, मूर्ति टूटी और गिरी हुई मूर्ति भी आपको नजर आ रही। आंधी तूफान ऐसा आया कि उसने महाकाल लोक में भी जो मूर्तियां जो यहां पर लगाई गई हैं वो भी, उनको भी नुकसान यहां पर पहुंचाया है। महाकाल लोक में श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए गए हुए थे वे भी बाल बाल बचे हैं। और उज्जैन में तेज हवाओं के चलते दुकान पर पीपल का पेड़ भी गिर गया। दुकान में काम कर रहे युवक की इसकी वजह से मौत हो गई। मलबे में दबने से युवक की जान गई है, एक युवक घायल है और उसका इलाज किया जा रहा है। तेज आंधी तूफान की वजह से शहर की बिजली तक कट गई, अस्पताल में भी ब्लैकआउट हो गया। और महाकाल लोक में आंधी तूफान से मूर्तियां गिरने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गईं, वो दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। वैसे तो नौतपा चल रहा है और नौतपा में सूरज आग उगलता है, धरती तपती है, लेकिन नौतपा में प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। गुना की बात करें तो यहां पर तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई और ओले गिरे। रतलाम में अचानक मौसम का मिजाज बदला और यहां पर भी आंधी आई, तूफान चला, बारिश हुई। यहां के जावरा में आंधी की वजह से बस स्टैंड का स्वागत द्वार ही गिर गया। वहीं उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में तेज हवाओं की वजह से एक पुराना पेड़ जा गिरा, पेड़ की चपेट में आने से एक बाइक, ऑटो रिक्शा और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। दमोह में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया। और तस्वीर आपको सतना की दिखा रहे हैं, यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, तेज आंधी तूफान चली और बारिश का दौर भी जारी है, साथ ही साथ ओले गिरे हैं। रीवा के साथ ही चित्रकूट और मैहर क्षेत्र में तूफान ने तबाही मचाई है, यहां भी ओले गिरे हैं, कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, कच्चे मकानों के टीन शेड उड़ गए, बिजली आपूर्ति ठप है। मैहर में विधायक का कप टूर्नामेंट में जो पंडाल लगा था वो भी उड़ गया। खबर खरगोन से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस और स्थानीय लोग जो हैं उनकी मदद से इस युवक को बचा लिया गया। बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे पारिवारिक विवाद था जिसके चलते उसने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। मेला ग्राउंड पर यह पहुंचा था, मानव उत्थान सेवा के सामने मेला ग्राउंड जो है उसके सामने पेड़ है, वहां की ये घटना है। कोतवाली और मेन गांव थाना पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। मुरैना की बात करते हैं, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया और यह इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए, जमकर फायरिंग भी हुई। बताया जाता है कि लाइट का तार डालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। यह घटना जौरा थाना क्षेत्र के पगारा रोड की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो साक्ष्य हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि इसमें जो हथियार है वो 315 बोर का कार्टिज वगैरह हो सकता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आरोपी गण हैं, उनके पास वैध कितने जो हथियार हैं, तो उसके आधार पर भी उनके विरुद्ध जो फसदा लाइसेंस हैं उनके, वो भी निलंबन की कार्रवाई करवाई जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिया गया। वन विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया और ठग लिया गया, और कई लोगों से ये ठगी की वारदात की गई है और 20 लाख रुपए ठग लिए गए। मनेंद्रगढ़, पेंड्रा और जांजगीर चांपा में ये ठगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को धर भी दबोचा है। धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी महासमुंद जिले का रहने वाला है और दूसरा झगरा खांड का रहने वाला है। पुलिस इनसे पूछताछ कर पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करते थे, और उसमें आरोपी है एक प्रवीण कुमार प्रधान है। ये मेन जो है उसका काम करता था नौकरी लगाने के नाम पर, और उनका साथ देता था राम निवास सेन, ये झगरा खंड का रहने वाला है। ये फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने का के लिए इन लोग जो है जगह जगह ठगी करते थे। मनेंद्रगढ़ के अलावा पेंड्रा और पास में भी, आसपास में भी इनके द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग इनके पास से 2,35,000 रुपया तो ठग लिए हैं, इनके अलावा भी 20 लाख रुपये के अन्य भी ठगी का। बिहार के वैशाली में बागेश्वर बाबा से प्रेरणा लेकर मुस्लिम धर्म की लड़की ने पहले हिंदू रीति रिवाज के तहत सनातन धर्म अपनाया और फिर हिंदू लड़के से मंदिर में शादी रचा ली। पूरा मामला सहता गांव का है, जहां पर रोशन कुमार को मुजफ्फरपुर के गीजाज गांव की लड़की नौसनी परवीन से प्रेम हो गया, लेकिन दो धर्म होने की वजह से दोनों शादी के बंधन में बंध नहीं पा रहे थे। और इस बीच बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम पटना के नौबतपुरा में हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन मुस्लिम लड़की पर ऐसा असर डालते नजर आए कि उसने अपने धर्म को छोड़ा और सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों लालगंज में आचार्य से मिले और धर्मांतरण के विधि विधान को जाना। फिर आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ लड़की को सनातन धर्म में प्रवेश कराया। सनातन धर्म में आते ही नौसनी परवीन नारायणी नदी को साक्षी मानकर रुक्मिणी बन गई, जिसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े लालगंज के रेपुरा अर्धनारीश्वर शिव मंदिर पहुंचे और दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हो गई। दोनों ने साथ जीने और मरने का संकल्प लिया। बागेश्वर बाबा बिहार से चले गए, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको जी? उनका कार्यक्रम सुनकर आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपके घर, या इनका दबाव था? खुद बोले थे पासपुर से। क्या नाम है? जयपुर में क्या नाम था आपका? पूरा बोलिए पूरा नाम। सर दोनों लोग खुश हैं? कोई दबाव तो किसी का नहीं था ना? किसी का भी दबाव नहीं। आप उन पर दबाव डाले थे क्या कि हमारा धर्म स्वीकार कीजिए? धर्म परिवर्तन के लिए उस प्रेशर बनाने लगी हमारे पास, हमको कराइए। मैंने कहा कि ठीक है, तो 10वीं का स्नान मैंने कराया। ऐसा शास्त्र में आता है कि जब तक अस्थि का तंपापम देहे तिष्ठति माम के, कहाँ पर हुआ? तपस्या दहतवाड़ी में था। कहाँ पर हुआ ये? ये दिल पर हुआ है। रात भर एक लड़का लड़की गंगा जी पर तपस्या किए हैं। तपस्या को उपरांत सुबह मैं गंगा जी पर गया, मैं भी स्नान किया और इन सबों को 10वीं का स्नान कराया। पंचगव इत्यादि प्राशन करके पहले मैंने अपने धर्म में उनको स्वीकार किया। ये शादी जो हुआ उस हम लोग पूरे परिवार मिलकर शरीक हुए हैं, और जो बच्ची है उसको हम अपना बेटी मान लिया। हम लोग इस्लाम रही नहीं, हिंदू धर्म अपना लिया है। जैसे चार बच्ची है वो भी हमारी बच्ची हैं। जैसा कि आपको मालूम है वैवाहिक कार्यक्रम हुआ है, विवाह हुआ है, दोनों अब संग संग जीने मरने का कसम खा करके यहाँ से आगे बढ़े हैं। अपने इस जीवन यापन में सुख दुख में दोनों दो पहिया की भांति
उस अपने जीवन के वाहन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए आज तत्पर है, तैयार हुए हैं। ये लड़का फिर जानते हैं, लड़की पहले मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी और पूर्ण रूप से बालिग है और उसको भगवान शिव में आस्था हुई और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रथम मैंने हिंदू राष्ट्र के से प्रेरणा लेकर वो हिंदू 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 सिख धर्म स्वीकार की है और इसका स्वागत करते हैं। एमपी में शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां पर दुर्घटनाएं पेश आई। और शाजापुर की बात करें तो यहां पर बस और ट्रक की टक्कर आपस में हो गई, बस ट्रक से जा टकराई, इसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। ये श्योपुर से इंदौर से ये बस जा रही थी और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह हादसा शाजापुर बाईपास के पास हुआ। मंदसौर में तेज रफ्तार बस पलट गई, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हुए। बस के नीचे दबे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। आगर मालवा में 2 कार आपस में टकरा गए जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर हैं। यह हादसा बड़ौद आलोट मार्ग पर हुआ। उधर बुरहानपुर में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। राजधानी भोपाल के व्यापम चौराहे पर तेज रफ्तार 2 वाहन आपस में टकराए, दोनों गाड़ियों में 3 लोग सवार थे। मंदसौर की बात कर लेते हैं जहां पर निजी यात्री बस के पलटने की वजह से 3 यात्रियों की मौत हो गई, 19 यात्री घायल हो गए। यह हादसा दलोदा के भावगढ़ फंटे पर हुआ। भोपाल की तरफ से आ रही चार्टर्ड बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हुई और पलट गई। गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को इंदौर के लिए रेफर किया गया। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये बस भोपाल से नीमच जा रही थी, यात्री बस में 38 यात्री सवार थे। वाली एक बस थी जो दलोदा से पहले पलट गई। आई थिंक जो भी उसका कारण अभी पता करेंगे हम लोग। बस में सवारियां टोटल आई थिंक 30 के आसपास थी, 3 की डेथ हो गई, 3 महिलाओं की डेथ हुई है उसमें, 19 लोग घायल हैं, उसमें भी जो सीरियस लोग हैं उनको हम रेफर भी कर रहे हैं, उदयपुर और इंदौर रेफर कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम सुरक्षित हैं, उनमें कोई ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, उनको यहीं प्राथमिक उपचार के बाद हम फ्री कर रहे हैं। 3 जो डेथ जिनकी हुई 3 महिलाओं की, उनको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी शासन की तरफ से दे रहे हैं और उनकी बॉडी पहुंचाने का और सारा, उनके सभी जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, जिनकी डेथ हो गई उनके परिजनों से भी, जो घायल हैं उनके परिजनों से भी संपर्क कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम कर। बुरहानपुर से खबर जहां पर सांसद के बेटे ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए सड़क दुर्घटना में घायल पिता पुत्री को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना इंदौर इछापुर हाईवे की है। यहां पर असीरगढ़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री घायल हो गए। बीच सड़क पर ये बेसुध थे, रास्ते से जा रहे सांसद के बेटे नरेंद्र ज्ञानेश्वर पाटिल ने वाहन रुकवाया, घायल लड़की को अपनी कार से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिता की मौत हो चुकी थी और लड़की की हालत गंभीर है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर भोज का आयोजन है। ग्रामीण परिवारों के साथ सीएम ने भोजन किया था, भेंट मुलाकात के दौरान भोजन किया था। जिन परिवारों के साथ भोजन किया था आज उन्हें आमंत्रित किया गया। आज रायपुर संभाग के परिवारों को आमंत्रित किया गया भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, जिन्होंने भोजन कराया। सीएम कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे भोजन कराया सभी का आत्मीय स्वागत है, आज सभी लोग मुख्यमंत्री निवास के मेहमान हैं। क्या मैं रायपुर से हूँ, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी भोजन करने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अभी निवास में इनवाइट किया है डिनर पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी उन्हीं की तरह सीएम बनना चाहती हूँ बड़े होकर। तो मुख्यमंत्री निवास के मेहमान आज सभी लोग हैं, रायपुर संभाग जो है वहां के लोग जहां जहां मुख्यमंत्री गए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने जहां किया और उसके बाद वहीं जब हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर जाते तो स्थानीय किसी भी एक व्यक्ति के यहां भोजन वे जरूर करते थे, तो आज उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस बुलाया, अपने निवास पर बुलाया और उन लोगों को दावत दी, डिनर रात्रि भोज उनके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया था। ग्रामीण परिवारों के साथ सीएम ने भोजन किया था और आज वे ग्रामीण परिवार सीएम हाउस पहुंचे और बेहद खुश नजर आए, जिसमें से एक बच्ची जो है
उसने भी बताया कि वे उनका परिवार पूरा आया है और बेहद खुश ये बच्ची नजर आ रही थी, और वो भी चाहती है कि वो भी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करे मुख्यमंत्री के तौर पर, उसका ये सपना है। तो सीएम हाउस की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास पर भोज का आयोजन किया गया था। ग्रामीण परिवारों के साथ सीएम ने भोजन किया। भेंट मुलाकात के दौरान जब उन्होंने भोजन किया था, ग्रामीण परिवारों के घर जाकर उन्होंने भोजन किया था, और आज रायपुर संभाग के परिवारों को उन्होंने आमंत्रित किया। आज सभी लोग मुख्यमंत्री निवास के मेहमान हैं, ये सीएम कहते हुए नजर भी आए, और सीएम हाउस में इन लोगों को डिनर दिया गया। बेहद खुश सीएम हाउस की तरफ से ये जो भोज का आमंत्रण था, उसके बाद लोग नजर आ रहे हैं। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, भारतीय परंपरा है, ये तहजीब है हिंदुस्तानी, ये कहें कि आप कहीं भोजन करने जाते हैं तो फिर वापस उन लोगों को भी अपने घर पर बुलाते हैं। मुख्यमंत्री ने भी यही किया, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक रिश्ता बनाने की, पारिवारिक रिश्ता जैसा यहां पर नजर आया, इस तस्वीर को देखकर लग रहा है। बिल्कुल, ये एक अनोखी परंपरा है और मुख्यमंत्री इस परंपरा का पालन भी करते हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान जिन जिन लोगों का पहुंचे थे, पारंपरिक रूप से स्वागत हुआ था, जमीन पर बैठकर खाना खाए थे मुख्यमंत्री उन जिन लोगों के घर पर, उन सबको वापस अपने मुख्यमंत्री निवास में सभी को आमंत्रित किया गया, और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ उन सभी का रात्रि भोज इस वक्त चल रहा है। रायपुर संभाग के 19 विधानसभा के लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं जिनके साथ ये रात्रि भोज चल रहा है, और मुख्यमंत्री के मेहमान ये सभी लोग हैं जिनके मुख्यमंत्री कभी मेहमान थे, इन्होंने मुख्यमंत्री को कभी अपने घर में भेंट मुलाकात के दौरान खिलाया था। तो ये छत्तीसगढ़ की इसी परंपरा को मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, और तमाम तरह के जो व्यंजन है, भाजियां हैं, वो मुख्यमंत्री ने जो खाई थी उसका जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक एक लोगों के पास पहुंच रहे हैं, हर किसी के पास, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। तो ये एक वाकई नई परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, और उस समय भी जब मुख्यमंत्री उनके यहाँ जाते थे चर्चा का विषय बनना था, पर आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री के वो मेहमान बने हैं रायपुर संभाग के लोग, 19 विधानसभा के लोग, तो एक बार फिर ये चर्चा का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइन